वेलकम टू द परफेक्ट क्लास। आज हम सीखेंगे एनसीईआरटी 10 क्लास का चैप्टर 3 है, जिसका एक्सरसाइज है 3.4 का क्वेश्चन नंबर पहला है, जो कि विलोपन विधि है। हिंदी में से विलोपन विधि कहते हैं, इंग्लिश में एलिमिनेशन मेथड। तो सवाल दे रखा हमें x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमें विलोपन विधि से हल करना है। तो सॉल्व करेंगे हम एलिमिनेशन मेथड से। सबसे पहले हम इसके इक्वेशन ले लेंगे, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। सो सेकेंड इक्वेशन ले लेंगे, 2x माइनस 3y बराबर 4, ये है सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ पर हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो हम इसको x को एलिमिनेट करेंगे पहले, तो x के जो नंबर्स है उसका जो इनिशियल संख्या है सेकेंड इक्वेशन का, वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर इसका 2 से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पर 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई सेकेंड इक्वेशन में होगा, मतलब हमें अपोजिट मल्टीप्लाई करना है। इसका मल्टीप्लाई यहाँ आ गया और यहाँ 2 है, क्योंकि हमने x को एलिमिनेट करा, तो x का मल्टीप्लाई 2 है। और इस 2 से सब में मल्टीप्लाई होगा, इस 1 से सारे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का x में होगा 2x, इस 2 का 2x से मल्टीप्लाई करना 2x आएगा, प्लस 2 का y से करेंगे 2y आएगा, और 2 का 5 से करेंगे 2y से 10 आ जाएगा। फिर ऐसे ही सेम इसका ही करेंगे, 2 1 2x माइनस 3 1 3y, इसका मल्टीप्लाई करना, फिर 1 का 4 में करेंगे 4 1 4। अब इसके बाद हमने मल्टीप्लाई कर लिया, अब यहाँ पर साइन चेंज होगा, यहाँ प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस से प्लस हो गया और ये माइनस। साइन चेंज होने के बाद यहाँ माइनस हो जाएगा, 2x में 2x का 0 बचा, ये 2 और 3y हो जाएगा 5। इसी का 10 में से 4 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 6। अब इस 5 को उधर भेजेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू आ रहा है 6/5, ये y की वैल्यू है। अब हम समीकरण y का मान उसको हम रखेंगे फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, उसमें हम इसका y वैल्यू रखेंगे। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पर लिखा है y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 ये वाला है, तो इसको हम लेंगे। अब याद लेंगे समीकरण फर्स्ट हमने लिया, x प्लस y इज इक्वल टू 5। अब यहाँ जो y है, इस y की जगह हमें रखना है y इज इक्वल टू 6/5, तो वैल्यू रख देंगे, x प्लस y आ जाएगा 6/5 = 5। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर जो भी ये अपॉन में 5 वाला है, इस 5 का मल्टीप्लाई इस 5 से होगा, और इस 5 का x से भी मल्टीप्लाई होगा, तो 5 का x में करेंगे तो हो जाएगा 5x प्लस 6 बराबर 5। इस 5 का इससे मल्टीप्लाई होगा, इस 5 का 5 से भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ दोनों जगह मल्टीप्लाई कर लिया हमने। अब मल्टीप्लाई शो कर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 5 5 = 25। अभी मल्टीप्लाई हो चुका है, अब ये 6 है, 6 को हम आगे भेजेंगे, 5x बराबर 25, यहाँ प्लस में था इधर आके माइनस में आएगा, यहाँ प्लस था इधर आएगा तो माइनस में जाएगा, तो चेंज हो जाएगा, ये माइनस कर देंगे, 5x इज इक्वल टू 25 में 6 माइनस करेंगे 19 बचेगा। अब यह 5x बचेगा, तो 5 को आगे भेजेंगे, एक सही रहेगा 19/5, तो यहाँ अब डिवाइड नहीं होगा, 19/5 ही रहेगा, तो x बराबर आ गया 19/5, तो हमारा आंसर आ गया है x बराबर 19/5, y = 6/5, ये हमारे दोनों आंसर आ गया, x बराबर भी आ गया और y बराबर भी आ गया आंसर। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।